Hi, Sanjeet, Senior Learning and Organizational Development Practitioner and co-author of the book Winning It Together. Today's topic we will talk about previous performance management ke saath uska link hai. Aur performance management mein humne baat ki thi ki jab hum performance management ka sahi se data nikalte hain, sahi se data analyze karte hain, to hume employee training and development ki need samne aa jati hai. To uske baad ek second need samne aati hai, that is for what? Employee motivation and employee satisfaction. Employee motivation satisfaction, duniya ke koi bhi tools aap lekar aa jaye, duniya ki koi bhi psychometric assessment lekar aa jaye, duniya ke koi bhi framework lekar aa jaye, money comes first saab. पैसे पहले आते हैं लेकिन यस लोग बहुत सारे कहते हैं कि नहीं नहीं मैं पैसों के लिए काम नहीं करता अगर वो पैसों के लिए काम नहीं करते तो किस चीज के लिए काम करते हैं तो मेरा उनसे एक हमेशा यही तजाद रहता है कि आप ऐसा करें दो महीने सैलरी छोड़ दें ऑर्गेनाइजेशन को दिस इज जस्ट अ फन एंड पंच लाइन फॉर देम सो ऑर्गेनाइजेशन में जब वो लोग काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ढूंढते हैं क्या हम काम तो कर रहे हैं हमारे मोटिवेशन के लिए क्या क्या और चीजें हो सकती हैं हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए चीजें क्या हो सकती हैं यस देखिए मॉनिटरी रिवॉर्ड After the monetary reward, they think about the culture of the organization. Then they also talk about what our other benefits can be. After talking about other benefits, our performance management, when our rating, our score is good, then how can we differentiate from the other? So we will talk about this. We will give you a theoretical background, then we will talk about how can performance management help you to drive the motivational indicators and satisfaction indicators for the employees who are working with us in the organization. The motivation and satisfaction by setting appropriate performance standards, evaluating employees' success in meeting those standards and giving employees feedback regarding the extent to which they are meeting or exceeding those standards. An organization can increase motivation and satisfaction for those employees. आपके organization के अंदर आप क्या करते हैं कि employees की जो performance management करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ rating standards होते हैं उसमें सबसे पहला अगर नीचे ले लेते हैं तो उसमें आप कहते हैं poor performer जो आपकी streamline से बहुत ही कम perform कर रहा है हम assume करते हैं वो 100% से कम perform कर रहा है तो आप उसे कह सकते हैं low performer या कुछ लोग कहते हैं यार अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस तो इसको एक टाइटल दे देते हैं जो लोग 100 से कम परफॉर्म करेंगे वो अंडर परफॉर्मिंग है जो 100% परफॉर्मेंस दे रहे हैं इसका मतलब वो परफॉर्मिंग है बिकॉज वो नीचे भी नहीं है और 100 से ज़्यादा भी नहीं है वो इतनी ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं जितनी ऑर्गेनाइजेशन उसे एक्सपेक्ट कर रही हो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100 से ज़्यादा परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सेलिंग या ओवर परफॉर्मिंग राइट जब ये तीन कैटेगरीज हमारे पास आते हैं तो इन तीनों एम्प्लॉयज को फॉर एग्जांपल साल गुजर जाता है और तीनों एम्प्लॉयज को इंक्रीमेंट देते हैं या तीनों एम्प्लॉयज को जब बेनिफिट देते हैं तीनों एम्प्लॉयज का जब बोनस होता है या तीनों एम्प्लॉयज की जो रिवॉर्ड्स होते हैं हम इक्वली कर दें अगर हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो होगा क्या तो इसका मतलब जो 100 से कम परफॉर्म कर रहे हैं वो कहता है कि भाई जितना भी परफॉर्मेंस कर लो मिलेगा तो उतना ही जितना टॉप वाले को मिलता है 100 वाला बोलेगा कि भाई नीचे वालों को भी उतना ही मिल रहा है जितना मुझे मिल रहा है व्हाई शुड आई डू दैट In the end, पता है क्या होगा जो 100% परफॉर्मेंस वाला है जो 100% अपनी पूरी परफॉर्मेंस दे रहा है वो कहता है कि वाई शुड आई पुट अ लॉट ऑफ एनर्जी इन इट क्यों अपना टाइम दूंगा इससे अच्छा नहीं कि 9 to 5 काम करूं घर चला जाऊं या फिर वो कहेगा मैं उतनी ही एफर्ट लगाऊं जितना वो नीचे वाला लगा रहा है बिकॉज उसको भी तो उतने ही पैसे मिल रहे हैं तो ये क्या कर देगा डिस्पैरिटी क्रिएट कर देगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा उसको अनइक्वल होना पड़ेगा उसको बराबरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि गैर बराबरी वाला सलूक करना पड़ेगा इस गैर बराबरी वाले सलूक को हम बोलते हैं एक्विटी एक्विटी का थोड़ा मतलब समझा दें आपको कि एक्विटी का मतलब यह होगा कि अगर आपके पास लाख रुपए का बजट है उसमें 4 लोग आपके पास अंडर में काम करते हैं जो 100 से कम कर रहा है उसका कोई इंक्रीमेंट नहीं लगाओ जो 100% परफॉर्म कर रहे हैं उनका 10-10% इंक्रीमेंट लगाओ और उसे 10-10% इंक्रीमेंट लगाने के बाद बोलो कि अगर आप ज्यादा पैसा चाहते हैं आप ज्यादा बेनिफिट चाहते हैं ज्यादा कॉम्पनसेशन चाहते हैं इंक्रीमेंट सैलरी ज्यादा चाहते हैं बोनसेस ज्यादा चाहते हैं यू हैव टू परफॉर्म 100+ परफॉर्मेंस यू हैव टू अचीव 100+ एक्स्ट्रा टारगेट लाइक 150% 200% 250% वरना होगा क्या जो 100 से कम कर रहा है इसका मतलब यह है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसको सब्सिडाइज कर रही है वो लायबिलिटी है वो परफॉर्म नहीं भी कर रहा फिर भी ऑर्गेनाइजेशन उसको 100% की सैलरी दे रही है मींस परफॉर्मेंस उसकी 50% है पैसे उसको 100% के मिल रहे हैं
जो 100 वाला है उसको हम कहेंगे कि भाई नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, वरना आपको उतने ही पैसे मिल रहे हैं जितने आपको हमने टारगेट एक्सपेक्ट करके दिए। लेकिन जो 250% परफॉर्मेंस दे रहा है, जो 125% परफॉर्मेंस दे रहा है, 150% परफॉर्मेंस देना है, उसको आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ेगा। अगर 100 वालों को आपने 10% इंक्रीमेंट दिया है तो 150 वालों को 90% इंक्रीमेंट दो, तब जाके वो डिस्पैरिटी कन्वर्ट होगी आपकी एक्विटी में। मींस जो ज्यादा परफॉर्म करेगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम परफॉर्म कर रहा है उसको कम मिलेगा, जो 100% परफॉर्म करेगा उसको उतना ही मिलेगा जितना इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होगा। दिस इज द ग्रेट फैक्टर ऑफ द मोटिवेशन। तो आइए बात करते हैं जो 100% से कम परफॉर्म करें, मैं ऐसा नहीं कहता आप उनको निकाल दो, हम उसे क्या कहते हैं, PIP लगा दो, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान्स लगा दो। जब परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान्स लगेंगे, उनके वीकनेसेस, उनके गैप्स, और वो क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको कोई फिजिकल मसला है, उसको कोई मेंटल इशू है, बॉस से मसला है, ऑर्गेनाइजेशन से मसला है, किसी लोगों से मसला है, प्रोसेस प्रोसीजर से मसला है, प्रोसेस बहुत लंबा है, व्हाटएवर द रीजन आर, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड देन यू हैव टू मार्क अकॉर्डिंगली। सो योर जॉब is being an HR manager or being a line manager, being an L&D or OD manager, के जो 100 से कम परफॉर्म कर रहे हैं सबसे पहले उसको 100% पे लेकर आओ through identification of gap analysis in the performance, ठीक है। फिर उसके बाद जो 100 वाला है आपका टारगेट होना चाहिए कि उसको 110 से 125 पे ले आओ, जो 125 और 150 ऑलरेडी दे रहा है उसको नेक्स्ट पोजीशन दे दो, उसको प्रमोट कर दो, उसकी पोजीशन बढ़ा दो, वरना पता है क्या होगा, मार्केट में निकल के जाएगा और कहेगा भाई मुझे सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन पैसे भी इतनी दे रही है, आज यहां पर तुम्हारे पास असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूं वो तो मुझे मैनेजर ले रही है। फिर क्या होगा, वो रेजिग्नेशन देगा, रेजिग्नेशन आपके टेबल पे पड़ी होगी, फिर बोलेंगे यार आप पहले बता देते, मैं आपका इंक्रीमेंट लगा देता, तो पता है वो क्या कहेगा, सर मैं जबान दे चुका हूं, इट मींस दिस इज आवर बिगेस्ट ब्लंडर। उसकी नीड को, उसकी उसकी इंटरेस्ट को, उसके कंसर्न्स को, उसके एक्सपेक्टेशन को छोड़ने से पहले, रेजिग्नेशन से पहले मुझे अंडरस्टैंडिंग कर लेनी चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग कब होगी, वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से आएगी, जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रॉपर एनालिटिक्स निकालूंगा तो मुझे लग पता जाएगा एक बंदा लास्ट 3 ईयर से, लास्ट 2 ईयर से कंजेकटिवली 150% की धुआंधार परफॉर्मेंस दे रहा है, इसका मतलब ही हैज अ बिगेस्ट एपेटाइट, ही इज अ ग्रेट एपेटाइट टू ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई आई एम लेटिंग हिम गो। मुझे पता है कि अगर 2 साल से उसकी 150% परफॉर्मेंस है, उसको मैंने ख्याल नहीं किया, उसको मैंने सब्सिडाइज नहीं किया, या उसको नेक्स्ट पोजीशन नहीं दी, या उसको एक्स्ट्रा असाइनमेंट नहीं दिया, या उसको एक्स्ट्रा रोल नहीं दिए, वो किसी और जगह पे अप्लाई करेगा, वही बंदा दूसरी जगह में आपकी स्ट्रेटजीज अप्लाई करके और मुनाफा कमा रहा होगा। सो दिस इज द प्योरली अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इफ यू वांट टू मोटिवेट योर एम्प्लॉई, वांट टू सेटिस्फाई योर एम्प्लॉई, यू नीड टू केयर एंड कंसर्न। अब भाई कैरेट एंड स्टिक की वाली पॉलिसी नहीं है, अब केयर एंड ग्रोथ वाली पॉलिसी। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हमें एक दूसरी चीज जो सिखाता है वो क्या है, हाउ टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज through performance management and how to satisfy your employees through performance management, वो जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आप मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कहीं भी आपको लगता है सवाल तो उसको कमेंट में लिखिए, जवाब देने के लिए हाजिर हूँ आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत अपना सारा ख्याल रखिएगा।